चौधरी फिल्मी जगत का एक जाना पहचाना नाम। मेरा नाम प्रदीप चौधरी है, मैं एक्टर हूँ और फिल्मों में काम करता हूँ, सीरियल्स में काम करता हूँ। आपने बहुत सारी फिल्मों में, सीरियल्स में मुझे देखा होगा, जैसे दबंग 1, दबंग 2, दबंग 3, आक्रोश, फटा पोस्टर, निकला हीरो। हाँ, दबंग में मैं कांस्टेबल तिवारी का कैरेक्टर प्ले करता हूँ। उसमें मेरा लुक बिल्कुल ही डिफरेंट है, मूंछ है, सर पे बाल नहीं है, और अभी मेरे सर पे बाल दिख रहा होगा आपको। तो इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। दरअसल मैं पिछले कई सालों से हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहा था कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाऊँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे बाल जा चुके थे, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि मैं गंजा हो गया था। तो मुंबई में बहुत सारे डॉक्टरों से मिला, ऑनलाइन भी बहुत सारे डॉक्टरों के कांटेक्ट में आया, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने अपने तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की, बट मुझे कहीं सेटिस्फैक्शन मिला नहीं। आजकल चारों ओर हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स की भारी भरमार है, पर इनमें से कितने अच्छे हैं इसका अंदाजा आप एक ही झलक में लगा सकते हैं। ALCS कॉस्मेटिक सर्जरी एंड हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर की सफलता का पूरा श्रेय एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुनील अरोड़ा के अथक परिश्रम को जाता है। वह स्वयं हर एक केस का संचालन और सर्जरी करते हैं। भाई, पिछले साल मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो आप जयपुर जाइए। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि मुंबई में एक से एक प्लास्टिक सर्जन है, एक से एक एक्सपर्ट है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, और ये मुझे कह रहे हैं कि मैं जयपुर जाऊं। जयपुर, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप जाओ एक बार, जयपुर में ALCS के नाम से क्लिनिक है, वहाँ आप डॉक्टर सुनील अरोड़ा से मिलो, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक्सपर्ट है वो। मुझे लगता है कि एक बार आप उनसे मिलोगे तो आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। दबंग की शूटिंग के दौरान ही जयपुर मेरा जाना हुआ, तो जयपुर जाना हुआ उनसे, फिर डॉक्टर सुनील अरोड़ा से मैं मिला जाकर ALCS में। तकरीबन 2-2.5 घंटे की मीटिंग हुई मेरी। 2-2.5 घंटे की मीटिंग में उन्होंने मुझे पूरी तरह से कन्विंस कर लिया कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए। हालांकि आपका स्टेज 7th में है, लेकिन मैं आपको बेस्ट रिजल्ट दूंगा। और उन्होंने जिस तरह डिटेल में सारी चीज़ें मुझे समझाई, मुझे लगा कि नहीं, ये डॉक्टर सही होगा मेरे इस काम के लिए। मैं राज़ी हो गया, डॉक्टर से कहा चलिए मैं ठीक है, एग्री हूँ। फिर बाद में इसका प्रोसेस शुरू हुआ। 8 से 9 घंटे में मेरा ये सारा काम हेयर ट्रांसप्लांट का हो गया। हेयर ट्रांसप्लांट करके मैं मुंबई लौट आया। 2-2.5-3 महीने तक मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन कुछ उस तरह का रिजल्ट मुझे दिख नहीं रहा था। फिर मुझे लगा कि चलो, ये मैं जैसा सोच रहा था वैसा ही है, कुछ होना जाना है नहीं। लेकिन 3 महीने के बाद मुझे धीरे धीरे ये रिजल्ट दिखना शुरू हुआ, और 6 से 7 महीने के अंदर रिजल्ट बेहतरीन रिजल्ट, और अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ। आप देखें, ये टेम्पल एरिया में उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है, फ्रंट का उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है। हेयर ट्रांसप्लांट विज्ञान और कला का एक अनोखा मिश्रण है, जहां वैज्ञानिक उपकरण क्राफ्ट हार्वेस्टिंग, स्लिटिंग, प्रिजर्वेशन में काम आते हैं, तो वहीं डॉक्टर का कला का ज्ञान स्लिटिंग के दौरान ग्राफ्ट का एंगुलेशन, डायरेक्शन और डेप्थ देने में सहायक होती है। शूटिंग के दौरान जब मेरा मेकअप हो रहा था, तो मैंने अपने मेकअप मैन से पूछा कि अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, तुम्हें कुछ मेरे में चेंज लग रहा है क्या? तो उन्होंने बड़े गौर से मुझे देखा और बोला, नहीं सर, ऐसा कुछ चेंज तो नहीं दिख रहा। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। वो आश्चर्य में था कि अच्छा, एकदम बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। तो ये संभव हो पाया डॉक्टर सुनील अरोड़ा की वजह से। अगर भविष्य में आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, तो एक बार जयपुर जाकर डॉक्टर सुनील अरोड़ा से जरूर मिलें।
बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं तो शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सुनील अरोड़ा का और साथ ही उनके टीम के सारे लोगों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। ईएलसीएस में सभी प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। आप 7568788885 पर कॉल कर अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।